गुजरात विधानसभा चुनाव के हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते गुजरात में हलचल सी मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसके बाद से ही पार्टी के अंतर्गत बवाल की स्थिति बन गई। अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी पार्टी द्वारा इलेक्शन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाती है, उसमें कई उम्मीदवार टिकट मिलने से खुश होते तो वहीं कुछ उम्मीदवार टिकट ना मिलने से खफा। ऐसा ही हाल कल देखने को मिला। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की सूची आने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेता उम्मीदवारों की सूची से खुश नहीं है। सूची जारी होने के ठीक बाद गुजरात के अंकलेश्वर विधानसभा सीट पर टिकट पाने वाले उम्मीदवार के सगे भाई ने ही बगावत कर दी। भाई ईश्वर पटेल को टिकट मिलने के बाद भरूच जिला पंचायत के सदस्य वल्लभ पटेल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा डांग जिला में बीजेपी महामंत्री दशरथ पुवार ने भी इस्तीफा दे दिया। सूची के अनुसार बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के 5 बागी नेताओं और 49 वर्तमान विधायकों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम से उम्मीदवार बनाए गए, जबकि महसाना से उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को टिकट दिया गया। बीजेपी की सूची में ज्यादातर पुराने नेताओं के नाम हैं, जबकि सिर्फ 16 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने पटेल समुदाय से 17, ओबीसी से 18, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 11 लोगों को टिकट दिया है। इन नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। सूची जारी होने के बाद से शाह देर रात तक गुजरात बीजेपी के दफ्तर में मौजूद रहे। बता दें कि अमित शाह इन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वयं टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।